और नोएडा के सेक्टर 27 के अट्टा मार्केट में हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान मौजूद हैं। वो आम जनता के बीच हैं और उनसे राय ले रहे हैं कि क्या कुछ खास उम्मीदें हैं कल के बजट से लोगों को। बिल्कुल अनन्या, बात करें तो कल आम बजट पेश किया जाएगा और इस आम बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि किसान और व्यापारी काफी ज्यादा नाखुश थे, इनको बड़ा नुकसान हुआ था। जीएसटी नोटबंदी, ये सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसने व्यापारियों को नाराज किया था, कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ था और इसके बाद व्यापारी केंद्र सरकार से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। और किसान लगातार कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि कर्ज माफ होना चाहिए, एक लंबा वक्त हो चुका है केंद्र में बीजेपी की सरकार बने हुए, एनडीए की सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक कर्ज किसानों का माफ नहीं हुआ है। कई राज्यों में किसानों ने कर्ज माफी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में कर्ज माफ किसानों का किया गया लेकिन वहां भी खानापूर्ति की गई है। लेकिन आम बजट को लेकर लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई है, क्योंकि अब चुनावी बजट भी कहा जा रहा है कि चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आम चुनाव होगा तो सरकार काफी कुछ खास इस बजट में कर सकती है। हम नोएडा के सेक्टर 27 के अट्टा मार्केट में मौजूद है, लोगों के बीच में है, लोगों की काफी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जरूर कुछ उनके लिए इस बार करेगी। अभी तक तो कम से कम लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। सर, कल बजट आ रहा है, आम बजट है, जेटली की पोटली से क्या कुछ निकलेगा, आपको क्या उम्मीदें हैं? अब जेटली साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र रहे, बन गए वित्त मंत्री, बजाय कानून मंत्री बनने के उनका अपना ज्ञान जीएसटी पे अधूरा है। आज तक ही इज नॉट क्लियर हाउ इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो व्यापारी वर्ग का क्या होगा? अब जो छोटी दुकानदार है, हम लोग चलाते हैं, क्या हर कोई हर 3 महीने में रिटर्न भरता रहेगा? नारा है वन कंट्री वन टैक्स, स्टिल देयर आर वेरियस लैप्स रेट्स, लॉट ऑफ आइटम्स आउट ऑफ दिस। व्यापार से जुड़े हैं, नोटबंदी और जीएसटी, सरकार लगातार कह रही है कि इससे नुकसान नहीं हुआ, क्या वास्तव में नुकसान नहीं हुआ? पूरा चौपट कर दिया है नोटबंदी जीएसटी ने। अब सरकार का क्या है, वो तो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें तो पब्लिक दिखाई नहीं देती, चुनाव होंगे तो दिखाई देगी, हो सकता है इस बजट में कुछ थोड़ा बहुत रेवड़ी बांट दें, बट अंततोगत्वा नोटबंदी से जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। व्हाट गवर्नमेंट हैज गेन्ड, इनके आंकड़ों के हिसाब से 99% पैसा वापिस आ गया तो काला धन गया। लेकिन गवर्नमेंट जो आंकड़े पेश कर रही है वो दिखा रही कि नोटबंदी और जीएसटी से उनको फायदा हुआ है, सरकार को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ, क्या सच्चाई को छुपा रहे हैं लोग? ये सिर्फ वो कंफ्यूजिंग स्टैटिस्टिक्स देते हैं, इशू है वेरीफाइबल स्टैटिस्टिक्स जिससे लोग वेरीफाई कर सके क्या फायदा हुआ। आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया, जब नोटबंदी में सारे पैसे वापस आ गए एक्सेप्ट माइनर अमाउंट, तो वेर इज द ब्लैक मनी? इसका मतलब इधर द ब्लैक मनी और फेक करेंसी दैट हैज ऑल्सो बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट। चलिए, आम बजट से आपको क्या उम्मीद है जो कल बजट पेश किया जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार चुनावी मौसम है, 2019 में चुनाव होना है, सरकार क्या कुछ करेगी? इन्होंने जो मध्यम व्यापारी और किसानों का पूरा भंडाधार कर दिया है, अब इनकम टैक्स में कुछ राहत हो सकता है मिल जाए तो मिल जाए, मगर एज ए जनरल पब्लिक वी एक्सपेक्ट कि कम से कम टैक्स बेस को बढ़ाएं, न कि टैक्स बर्डन जो गिने हुए देने वाले टैक्स है उन्हीं को आप दूहते जाएं, इंक्रीज द टैक्स बेस। तो इसके हिसाब से तो टैक्स कम होना चाहिए, तभी तो टैक्स देने वाले ज्यादा बढ़ेंगे, इससे आम जनता पर बोझ कम पड़ेगा, सरकार के पास ज्यादा राजस्व आएगा। सरकार के पास राजस्व कमाने के और भी तरीके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ टैक्सेशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, मगर दोनों से मार किसको पड़ रही है? सिर्फ गिने चुने लोग, जो लोग टैक्स भरते हैं, जो लोग नहीं भरते लाखों रुपया डेली। सरकार की आर्थिक नीति से व्यापारी क्या खुश नहीं है? व्यापारियों को तो इन्होंने सीधे सीधे कर दिया कि या तो टॉप वाले जिंदा रहें या अडानी अंबानी, या एकदम फुटपाथ वाले बीच के गायब। बिल्कुल, बीच के लोग गायब हो चुके हैं। जो आम बजट पेश हो रहा है, लोगों का कहना है कि उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इसीलिए हम आज ऐसी मार्केट के अंदर आए हैं जहां पर व्यापारी भी अपनी बात रख सके, सरकार सुने क्या कुछ किया उन्होंने व्यापारियों के लिए, जो कहते हैं कि व्यापारियों को फायदा हुआ है नोटबंदी जीएसटी से। ए के मिश्रा जी व्यापार सलाहकार है हमारे साथ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वो भी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। ए के मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे, आम बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट होगा, अब कल बजट पेश होना है? नहीं देखिए, मैं आज दिन भर देख रहा था बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनके डिफरेंट कमेंट्स को, तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को ये एहसास है, भले ही वो इसको मॉक कर रहे हो या छुपा रहे हो कि जीएसटी से कोई नुकसान नहीं हुआ, नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हकीकत कुछ और थी, इस चीज को वो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बम्पर डिस्काउंट, रिलैक्सेशंस वगैरह ये देंगे,
क्योंकि इस पूरे बजट को मैं तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैं देखता हूँ, सोशल, एक है इकोनॉमिक और दूसरा है पॉलिटिकल। 2019 में ये इलेक्शन भी है, तो ये एक ही तीर से, ये इसी बजट से तीनों अपने गोल को साधने की, तीनों निशानों को लगाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इनका बजट में जो फोकस होगा वो ये फोकस होगा कि जो पॉपुलेशन मास के दिमाग में जो एंगर भरा हुआ है इनके पास्ट एक्शन को, उसको फौरी तौर पे इमीडिएट वे में उसको कैसे रिलीज किया जाए। लेकिन कैसे करेंगे? किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, उद्योगपति इनसे नाराज है, किस किस को खुश करेंगे, राजस्व कहां से लेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसमें अब ये एक बहुत चेक एंड बैलेंस का है कि एक तरफ तो इनको दोनों हाथ से लुटाना है, दूसरी तरफ उसकी भरपाई भी इनको करनी है। तो ये ऐसी चीजों को, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ा दिया, टैक्स में रिबेट दे दिया, छोटे दुकानदारों को इन्होंने जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया या और रिलैक्सेशन दे दिया, तो इमीडिएट आदमी को ये फील होता है कि साई ऑफ रिलीफ, कि अरे मुझे रिलैक्स मिल गया है। हालांकि ये परमानेंट ग्रोथ इससे नहीं होती है, ये परमानेंट क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। अब सवाल क्वेश्चन आपका ये है कि अब ये लाएंगे किधर से? जो इनको घाटा होगा, अब उसको लाने के देखिए इनडायरेक्ट वे में तरीके होते हैं। मैं अभी डाटा देख रहा था, मे भी पॉसिबल कि ये एक्सपोर्ट में कोई ऐसी चीज लगा दें, क्योंकि एक्सपोर्ट मास को डायरेक्टली हिट नहीं करता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को हिट करेगा। एक्सपोर्ट पे इन्होंने बढ़ा दिया, मे भी पॉसिबल कि कॉर्पोरेट या मिडिल साइज के जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर इनडायरेक्ट वे में कोई टैक्सेस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया, या इवन सर्विस कॉस्ट या सर्विस टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। तो अपने आप में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है इंडियन इकोनॉमी में, 17-18% अभी है, 2% या 28% में ले जाए तो बहुत तेज जंप। और नोटबंदी जीएसटी का असर इसी वर्ग पर नहीं पड़ा है? नहीं, नोटबंदी का जो असर पड़ा है, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है सर कि पर्टिकुलरली किसी भी जो आपने एक्शन किया उसका टारगेटेड ग्रुप कौन सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटेड होता है। नोटबंदी का असर जो बहुत रिसोर्सफुल आदमी है उनके लिए नहीं पड़ा है सर, नोटबंदी का असर उन लोगों के लिए पड़ा है जो मिडिल क्लास के हैं, जो डे टू डे बेसिस पे अर्न करते हैं अपने ब्रेड एंड बटर को, उनको नोटबंदी के साथ साथ इनडायरेक्ट असर ये भी पड़ा है। आप देखो कि बैंक बंद रहे, एटीएम में पैसा नहीं रहे, आपको जरूरत है आपका। थोड़ी देर रोकना चाहेंगे, इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही है, जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चंद्र ग्रहण हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी 100 पे, इस वक्त चंद्र ग्रहण की ये लाइव तस्वीरें हैं। आज के दिन का इंतजार सबको था, चंद्र ग्रहण हो रहा है, काफी लंबे बाद, काफी अरसे के बाद ये ऐसा हुआ हो रहा है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। साल में पहली बार ये मौका है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी 100 पर चंद्र ग्रहण की। तो अब काफी साल के बाद ऐसा होगा कि चंद्र ग्रहण दोबारा से फिर से हो सकता है। आज के दिन के काफी ज्यादा मायने हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। सीधी तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं चंद्र ग्रहण की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज दिन भर लोगों को इंतजार था चंद्र ग्रहण का, चंद्र ग्रहण हो रहा है, दिन भर से लोग इस नजारे को देखने के लिए अपनी नजरें लगाए हुए थे कि चंद्र ग्रहण आज होगा, क्योंकि साल का पहली बार चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी 100 पे तस्वीरें चंद्र ग्रहण की। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन काफी मायने होते हैं, काफी राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ भी माना जाता है। एक लंबे अरसे के बाद ये चंद्र ग्रहण होता है और इसके अब काफी अंतराल के बाद चंद्र ग्रहण होगा, इसीलिए काफी ज्यादा मायने हैं चंद्र ग्रहण के। लाइव तस्वीरें टीवी 100 पे आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। की स्क्रीन पर बेहद खास तस्वीरें इनको कह सकते हैं। आज जो ये चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में देखा जाएगा, इस ग्रहण को खाग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है, जिसके तहत चंद्रमा को कुछ हिस्सा छुप जाएगा। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से कुछ हिस्सा वाकई में छुपा हुआ है। ये ग्रहण लगभग 150 साल बाद आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो 150 साल के बाद ये बेहद खास दिन, चंद्र ग्रहण की तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण है और साथ ही पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि हम लोग धरती से ये खगोलीय घटना देख रहे होते हैं और धरती की छाया काफी बड़ी होती है। लिहाजा चंद्र ग्रहण की खासियत ये होती है कि दुनिया में एक ही समय पर शुरू होता है और एक ही समय पर खत्म होता है। वैसे तो चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम अंधविश्वास अलग अलग देशों में प्रचलित हैं, लेकिन सही बात यह है कि इस
आसमानी घटना को हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बेहद खास तस्वीरें, जिस तरह से कहा जाता है तमाम तरह के अंधविश्वास भी जुड़े हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, लेकिन फिलहाल इस तरह से कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में कोई खास असर नहीं पड़ता। दुनिया भर में आपको बता दें चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 4:21 बजे होगी। इस समय पर चंद्रमा धरती के सबसे हल्की छाया यानी कि प्रवेश करेगा, लेकिन भारत में उस समय दिन होगा और चंद्रमा आसमान में नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खास तस्वीरें जहां पर ये चंद्र ग्रहण दुनिया के तमाम देशों में देखा जाएगा। इस ग्रहण को खाग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है, जिसके तहत चंद्रमा का कुछ हिस्सा छुप जाएगा। ये ग्रहण लगभग 150 साल बाद आया है। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, चंद्रमा का कुछ हिस्सा छिप रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये ग्रहण लगभग 150 साल बाद आया है। तो आपको बता दें वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि हम लोग धरती से ये खगोलीय घटना देख रहे हैं और धरती की छाया काफी बड़ी होती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं, साल का पहला चंद्र ग्रहण और ये ग्रहण लगभग 150 साल बाद आया है। तो साल का ये पहला चंद्र ग्रहण है, आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खास तस्वीरें चंद्र ग्रहण की। ये ग्रहण करीब 150 साल बाद पड़ा है। जिस तरह से इस चंद्र ग्रहण की अगर हम बात कर ले, तमाम अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह से कहा जा रहा है कि इसका आम लोगों के जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे ठीक जा रहा है। तो ये बेहद खास तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से देखा जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तमाम देशों से आप इसको देख सकते हैं। इस ग्रहण को खाग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है। आपको बता दें ये ग्रहण लगभग 150 साल बाद आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बेहद खास तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 150 साल बाद ये ग्रहण पड़ा है जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि हम धरती से है ये खगोलीय घटना देख रहे होते हैं और धरती की छाया काफी बड़ी होती है। लिहाजा चंद्र ग्रहण की खासियत ये होती है कि दुनिया में एक ही समय पर शुरू होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी खासियत ये होती है कि ये पूरी दुनिया में एक ही समय पर शुरू होता है। और साथ ही बता दें ये ग्रहण करीब 150 साल बाद पड़ रहा है। बेहद खास तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, साल का पहला चंद्र ग्रहण करीब 150 साल बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ा है। और तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा जा रहा है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको, आसिफ खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है अट्टा मार्केट में और क्या कुछ लोगों की राय है कल के बजट को लेकर वो जानते हैं। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा बजट क्या है? हम कर रहे थे कि कल आम बजट पेश किया जाएगा, लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आम बजट को लेकर, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के वक्त में सरकार पूरा ध्यान देगी कि सबको जो है फायदा मिले, ताकि सरकार को भी फायदा मिले आम चुनाव 2019 के अंदर। कल बजट पेश किया जाना है, सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई है कि जो जेटली की पोटली खुलेगी तो उनके लिए इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। हम नोएडा के सेक्टर 27 में इस वक्त मौजूद है अट्टा मार्केट में। लोग तमाम हमारे साथ हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं आम बजट से, जेटली जो कल बजट रखने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है कल जो बजट पेश किया जाएगा उसको लेकर? मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मुझे लगता है कि जो टैक्स दायरा है वो थोड़ा और बढ़ना चाहिए। अभी 2.5 लाख तक छूट है तो वो बढ़ के 4 लाख या 5 लाख होना चाहिए।
और ATC में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मैक्सिमम 1,50,000 है, उसको भी बढ़ा के कम से कम 2 लाख या 2.5 लाख तक ले जाना चाहिए। और हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो अभी इंडिया में ना के बराबर है, तो उस पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए। और इसमें भी जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी टैक्स दायरे के बाहर होना चाहिए, उसको भी लिमिट। यानी कि स्वास्थ्य विभाग की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसका बजट बढ़ना चाहिए ताकि व्यवस्था बने। हाँ जी, मैं तो ऐसा भी बोलूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करके कुछ प्रीमियम पॉलिसी हेल्थ के लिए भी हर एक सिटीजन को देनी चाहिए। अच्छा, ताकि पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पीपल वो हेल्थ केयर के नेट में आ जाए, जिससे ये होगा कि गरीब आदमी का आज मतलब एक आंकड़ा है, गरीब आदमी का अराउंड 70-80% खर्चा जो है वो अगर वो बीमार हो जाए तो दवाई और हॉस्पिटल में लग जाता है, और फिर भी गारंटी नहीं होती है कि बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसा सरकार ने कहा था जब लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले, कहा था आम लोग और गरीबों के और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। अब उस नजर से क्या बजट पेश किया जाएगा? अच्छे दिन आए, 4 साल में तो अच्छे दिन नहीं आए, जितने बजट अब तक पेश हुए उसमें अच्छे दिन नहीं आए। मुझे लगता है कि ये आम चुनाव से पहले का पूर्ण बजट है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ रियायत देगी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, एग्रीकल्चरिस्ट लेबर को भी और आम लोगों को भी, मुझे लगता है कि फायदा होगा। तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि कल जो बजट पेश किया जाएगा उससे काफी फायदा हो सकता है, किसानों को लेकर भी उनको साधने की कोशिश की जाएगी और जो कर्मचारी वर्ग है उनको साधने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही जो व्यापार को बड़ा नुकसान नोटबंदी और GST से हुआ है उसको लेकर भी समझाने की और समझने की अरुण जेटली जरूर कोशिश करेंगे। हालांकि क्या कुछ होगा उसमें जब उनकी पोटली खुलेगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। AK मिश्रा जी व्यापार सलाहकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सबकी उम्मीदें हैं इस बात को लेकर और सबसे ज्यादा व्यापार को लेकर। व्यापारियों को बड़ा नुकसान नोटबंदी GST से हुआ, एक लंबा वक्त हो गया, अभी तक उनका सुधार नहीं हो पाया, जो घाटा हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। नहीं देखिए, ये बात एकदम सही है क्योंकि GST स्पेशली अगर नोटबंदी को देखा जाए और GST को देखा जाए तो व्यापार करने का जो मोडस ऑपरेंडी होता था, जो डे टू डे बेसिस सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो या 8 बजे तक जो होता था, उस एक्टिविटी को पूरा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमने शिफ्ट कर दिया। आपको बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज करनी है, आपको पहले गवर्नमेंट को बताना है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से मटेरियल लिया हुआ। ये एक तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि लोग समझ नहीं पाए कि मुझे कहां टैक्स भरना है, कैसे भरना है, किस स्लैब में कौन सी चीज आएगी। ऑल ऑफ सडन वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद लगातार जो इन्होंने चेंजेस किए, कभी इस स्लैब से उठा के प्रोडक्ट को उसमें डालना, उसके बाद कुछ किसी चीज में छूट देना, किसी चीज को किसी दायरे में ले आना, तो ये एकदम हशपश माहौल बना रहा और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो स्टेट ऑफ माइंड पूरे मार्केट में बना रहा 2-3 महीने तक, तो ये हुआ लोगों ने बोला कि भाई अभी कुछ मत करो, हम देखते हैं क्या होता है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो एज इज इट जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ये एक कंडीशन हो गई थी कि पूरा का पूरा ये एक तरीके से ब्रेक हो गया था, हर चीज पूरा ब्रेक लग गया था हर एक्टिविटी पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और इसके जो हेड हैं वो बोल रहे थे कि GST का अब असर नहीं है। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। देखिए, GST एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आगे भी ये कॉन्टिन्यूड रहेगा, असर इसका रहेगा। ये और लिबरलाइज करेंगे, इनको फोर्स होना पड़ेगा उसको इतना इजी और लिबरलाइज बनाने के लिए कि उसको लोगों को ये लगे कि हाँ भाई अब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हर उसको लेकर वक्त अभी थोड़ा और लगेगा। युवा कुछ और भी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी जो सरकार है केंद्र की सरकार, युवाओं के लिए क्या कुछ उन्होंने काम किया? अब आपको उम्मीद है कि बजट पेश होगा, युवाओं के लिए कुछ होगा। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार लोग हैं, 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगार देंगे, 5 साल की सरकार है, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लग रहा है कि रोजगार सरकार नहीं दे रही, चुनावी वादे सारे होते हैं। नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जो बोले थे उन्होंने अपने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मोदी के जो भी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो मुझे दिख नहीं रहे। काला धन के पहला हो गया, काला धन का हमें तो दिख नहीं रहा कहीं भी काला धन वापस आया। अगर वापस आया तो क्या कहा, या तो कहीं भी हमारे, या तो गरीबों के काम में आना चाहिए, या फिर जो भी जहीं भी जहाँ भी जाए सही जगह। किसान भी परेशान है, आम पब्लिक भी परेशान है। किसानों के दिन अच्छे आए क्या जो सरकार ने कहा था? अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। हाँ। किसानों के 50-50 पैसे के मिले हैं, छूट मिले हैं, उनके घर पे जो काट गया था वो 50 पैसे के गए थे, और कह रही है सरकार की रोजगार देंगे। बहुत तरह के सब तो निजीकरण करते जा रहे हैं। हाँ। तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? लेकिन सरकार कह रही थी ये प्रशासन की लापरवाही से हो गया, 50 रुपए, 10 रुपए या 10 पैसे ऐसे करके माफ हुए, लेकिन सरकार के संजीदगी से इस पर काम नहीं कर रही थी, सरकार की भी लापरवाही थी। लापरवाही तो है उन सरकार की, सबको जानने में होता है, लेकिन सबको दबा दिया जाता है, कोई बोलेगा नहीं। किसान अगर जाए वहाँ ब्लॉक में कहीं जाए उनको बोला, अब बजट तो आएगा, बजट में क्या, रेल बजट आ रहा है, इनकम टैक्स पे क्या करेंगे, ये बढ़ाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग आ गया, इनको 2.5 लाख है तो कुछ बढ़ाएं, और जो
जो होम लोन दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग होम लोन लेकर अपना माफ कर लेते हैं सब टैक्स, इसमें भी तो सोचना चाहिए। लोगों को फायदा हो रहा है, गरीबों को नहीं हो रहा। गरीबों को कहीं हर जगह मारे जाते हैं। अगर कहा था गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। अभी कह रहे थे वैकेंसी आने वाले, रेलवे की वैकेंसी बंद हो गई, सबरी वैकेंसी बंद हो गई, सरकारी नौकरी बंद हो गई, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे तो कहाँ रोजगार दिए इन्होंने? लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा, गुस्सा सब में युवा में है, हर जगह। देखिए रोजगार जो आना था अभी 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी के, 2 लाख 4 लाख अभी केंद्र सरकार में खाली है सीट, उसको कहाँ भरेंगे अभी खत्म करने वाले। चलिए और भी युवा मेरे साथ जुड़े हुए, क्या रोजगार का जो वायदा किया था आप बताइए, रोजगार का वायदा किया था कि रोजगार दिया सरकार ने? बिल्कुल नहीं, रोजगार के मामले में भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है और इस बजट में हम पूरी अपेक्षा कर रहे हैं जो मोदी सरकार कुछ करे रोजगार के लिए, तो हम बजट से पूरी पूरी आशा लगा के बैठे हैं और साथ में हम इस बात की भी अपेक्षा कर रहे हैं जो शिक्षा पे भी बहुत विशेष ध्यान दिया जा सके, शिक्षा को लेकर बजट बढ़े। देखिए 4 साल में तो रोजगार दिया नहीं, अब देंगे रोजगार? अब सरकार हम यही सोच के बनाते हैं जो सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो आम जनता यही एक्सपेक्ट करती है जो सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, बाकी अब सरकार को देखते हैं सरकार हमारे लिए क्या करती है, उसका सरकार हमारे लिए आशा की नई किरण लाती है नहीं लाती है। क्या कहेंगे युवा लोग, काफी ज्यादा नाराज है इस बात को लेकर। 2 करोड़ की जब बात रोजगार की कही थी, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था यूपीए की सरकार थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, करप्शन लगातार बढ़ रहा था, काले धन को लेकर उन्होंने कहा था वापस आएगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसानों का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोजगारों में गुस्सा इस बात को लेकर कि आपने नौकरी नहीं लगाई 2 करोड़ लोगों की। अब बजट से उम्मीद है, 1 साल रह गया है, आखिरी बजट है, क्या कुछ करेंगे इसमें? लोगों का गुस्सा जायज है, नौकरी भी नहीं है, किसान की भी हालत बहुत खराब है, किसान भी बहुत सुसाइड कर रहे हैं और ना MSP मिल पा रहा है, जितना उन्होंने वादा किया था कि हम MSP बढ़ाएंगे वो भी नहीं बढ़ पाया है अभी तक। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को खास करके एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान देना चाहिए और जॉब क्रिएशन के लिए कुछ और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन हो। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जॉब नहीं बढ़ेगी, तो जॉब बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन पे और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। क्या लग रहा है व्यापारी सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि सरकार में अब व्यापारियों के लिए कुछ होगा मनाने के लिए, नाखुश है व्यापारी? देखिए मध्यम व्यापारियों को तो इन्होंने समाप्त कर दिया, अब देखिए क्या सुधार करते हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी तो समाप्त हो गए हैं। अब जो कुछ टैक्सेशन से रिफॉर्म होता है लेट अस सी। और जो जॉब्स की आप कह रहे थे, ये रेज्ड ए वेरी वैलिड पॉइंट, जब तक हमारे यहाँ प्रोडक्शन बेल्ट नहीं होगी, प्रोडक्शन लाइन नहीं होगी, जॉब्स कहाँ से आएंगी? ट्रेडिंग से जॉब, फैक्ट्रियों को तो बड़ा नुकसान हुआ, नोट लग गए हैं आज, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज चाइना से आती है, सरदार पटेल जी की मूर्ति भी चाइना में बन रही है। इकोनॉमिकल और वो सीमाओं तो ये बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ निकलता है जेटली की पोटली से। और जिस तरह से देखा जाए वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना 5वां और मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रहे हैं कल, इस बजट पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी या फिर 2019 में होने वाले आम चुनाव की मजबूरी के चलते सरकारी खजाने का रुख लोक लुभावन घोषणाओं की तरफ मोड़ देगा। हालांकि जिस तरह से देखा जाए 2019 के चुनाव भी नजदीक है, इसको देखते हुए क्या कुछ खास रहता है इस बजट में, ये भी सोचने का विषय है। आपको बता दें वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना 5वां और मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे कल। और महिलाओं, जिस तरह से महिलाओं की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएं, और व्यापारियों की जिस तरह से उम्मीदें हैं, और लगातार आप लोगों की मांग भी सुन रहे हैं, अच्छे दिनों के नाम पर मजाक किया गया है, ये जिस तरह से लोगों का कहना था, जिस तरह से लोग फीडबैक दे रहे हैं उससे तो आपको साफ पता चल गया होगा। अब इंतजार है कि क्या 1 साल में अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन एक सिर्फ जुमला था जो खत्म हो गया है, अब अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और इस पर यह भी ध्यान देने की बात है कि 2019 के चुनाव को देखते हुए किस तरह से चीजें पेश की जाएंगी, किस किस कैटेगरी के लोगों को इस पर ध्यान दिया जाएगा इस बजट में, ये सोचने वाली बात है। क्या युवाओं को इस बजट पर खास ध्यान दिया जाएगा, प्रायोरिटी में रखा जाएगा,
क्योंकि इस बजट पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी या फिर 2019 में होने वाले आम चुनाव की मजबूरी के चलते सरकारी खजाने का रुख लोक लुभावन घोषणाओं की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें तो आंकड़ों से मिल रहे संकेतों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बजट इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के सामने खड़ी ज्यादातर चुनौतियां खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। तो जिस तरह से देखा जाए मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी राहत ये है कि आने वाले साल विकास दर की मुताबिक अच्छे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस साल अगर विकास दर की हम बात कर लें तो 6 से 6.5% के बीच रहेगी, वहीं अगले साल की अगर हम बात कर लें तो 7 से 7.5% तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ऐसा हो पाता है या नहीं, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। देखिए, जो आजकल औद्योगिक यहाँ पे नीति है, औद्योगिक नीति में जरा चेंज आना चाहिए और जो इंडस्ट्री है उनके प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ औद्योगिक नीति सरकार को बनानी चाहिए। एंड दूसरा, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत हिंदुस्तान का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सिडकुल पंतनगर, इसमें जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं, जो पहले ये बोला जाता था कि बिजली प्रदेश है, आज बिजली प्रदेश में होते हुए भी बिजली के जो रेंट आपकी रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छू रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कम लेके आना चाहिए। देखिए, जीएसटी आने के बाद उद्योग अभी रफ्तार तो पकड़ने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ना तो रॉ मटेरियल है ना यहाँ पे फिनिश गुड्स की मांग है, सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है और रॉ मटेरियल बाहर ही जाता है। तो उत्तराखंड में अगर उद्योग रहें, यहीं पर रहें या एक्सपेंशन भी उत्तराखंड में ही हो, तो केंद्र सरकार को, इस समय दोनों जगह भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस बार उत्तराखंड को कोई खास नागौ सौगात देगी, क्योंकि उद्योगों के यहाँ रुकने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होने चाहिए, कोई ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो उद्योग उत्तराखंड में ही रहे। मेरे हिसाब से तो बजट कुछ इस तरह के होना चाहिए कि जितनी भी जनता है, चाहे वो निम्न वर्ग की है या मध्यम वर्ग की है या ऊपर के वर्ग की है, सभी वर्गों को समान फायदा मिलना चाहिए। जो निम्न वर्ग है वो बेचारा आजकल बहुत ही परेशान है, महंगाई इतनी ज्यादा है, वो उसी वजह से परेशान है, तो कुछ राहत मिलनी चाहिए उसको। जो मध्यम वर्ग है उसको ज्यादा राहत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम रहने के लिए अच्छा माहौल हो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। बजट से बहुत उम्मीदें हैं मोदी सरकार को, अब टाइम हो गया है और जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको बहुत आशाएं हैं। दोनों गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की हैं। अब जैसे जीएसटी एक बड़ा यूनिफॉर्म किया था, उसमें उनका जो जीएसटी के जो रेट्स हैं, जो दरें हैं, वो एक समान होनी चाहिए, उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए, जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। एक वेजेस के ऊपर था, जैसे वन टैक्स वन नेशन है, वैसे ही एक वेज होना चाहिए सभी, उसका स्टेट में सभी स्टेट में एक ही समान वेतन होना चाहिए। लोगों ने अपनी फीडबैक दिया, बताया कि क्या क्या उम्मीदें हैं, कैसी कैसी चीजें आ सकती हैं। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना पांचवा और मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे कल। इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी या फिर 2019 का चुनाव है उसको देखते हुए लोक लुभावन घोषणाओं की तरफ रुख मोड़ दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें, जो संकेत मिल रहे हैं, ये बजट इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के सामने खड़ी ज्यादातर चुनौतियां खुद ब खुद आसान हो जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी राहत यह है कि आने वाले साल में विकास दर के मुताबिक अच्छे रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अगर हम बात कर ले, इस साल जहां विकास दर 6 से 6.5% के बीच रहेगी, वहीं अगले साल 7 से 7.5% तक रहेगी। और साथ ही बता दें, और आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है, जो हम सर्वे की बात कर रहे हैं,
आने वाले दिनों में देश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और नई नौकरियां पैदा होंगी, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये सोचने वाला विषय है। देश में रोजगार बढ़ने में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती का हल तो निकल ही जाएगा। अगर रोजगार बढ़ जाता है तो एक जो बड़ा वोट बैंक है, युवा वोट बैंक, उस पर कहीं ना कहीं अच्छे फीडबैक आने की उम्मीद मोदी सरकार को अपने आप हो जाएगी। और आम चुनाव में सरकार के लिए जीत की राह अपने आप आसान हो जाएगी अगर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और आर्थिक मामले में की ज्यादातर जानकारों का यह मानना है कि अगले 6 से 12 महीनों के दौरान जीएसटी में जारी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जीएसटी से लोग बहुत परेशान थे। अगर हम बात कर लें अभी गुजरात चुनाव की, तो वहां भी जीएसटी का असर देखने को मिला, लोग परेशान थे। और व्यापारी वर्ग की अगर बात कर ले तो खासा परेशान था व्यापारी वर्ग। तो ये आर्थिक मामलों के ज्यादातर जो जानकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि 6 से 12 महीनों के दौरान जीएसटी में जारी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हालांकि ये कहा नहीं गया है, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसमें केंद्र सरकार को राहत मिलेगी। मौजूदा समय में जिस तरह जीएसटी से सरकार की कमाई पर असर पड़ा है, वहीं जीएसटी दुरुस्त हो जाने के बाद राजस्व में बड़ा इजाफा हो सकता है। ये भी जो दिक्कत है जीएसटी को लेकर, वो दूर होने की आशंका जताई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम कारोबारी संगठनों का दावा करें तो केंद्र सरकार का बैंकों का जो हिसाब किताब है उसमें भी अर्थव्यवस्था मजबूत होने की, रफ्तार तेज होने की कहीं ना कहीं अहम भूमिका अदा करेगी। इन सब के बीच केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बसती है किसानों की समस्या से निपटने के लिए। उसके लिए सरकार के बजट में क्या होता है, ये भी सोचने वाली बात होगी। एक तरफ जहां किसान कर्ज माफी की मांग पूरे देश में उठा रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है। कमजोर मानसून से किसानों की आमदनी कम होने का नया खतरा खड़ा हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2022 तक देश में किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया है। हालांकि ये वादा पूरा होता या नहीं, अभी जिस तरह के हालात हैं तो ये वादा पूरा होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कल अगर किसानों के लिए बजट में कुछ खास होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो इस स्थिति में मौजूदा बजट सरकार के लिए बेहद अहम है। और जिस तरह से देखा जाए, कई तमाम तरह की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर जिसके आधार पर 2019 का सफर उसके इस बीजेपी सरकार के लिए आसान हो जाए, इस तरह की भी तमाम योजनाएं का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, कल बजट किस तरह से पेश किया जाता है, क्या कुछ किस वर्ग के लोगों के लिए क्या निकलता है अरुण जेटली की पोटली से, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। लोगों की भी नजर बनी ही है इस पर, और दरअसल उम्मीदें बहुत है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी की मार, नोटबंदी की मार लोगों पर पड़ी, लोग परेशान हुए, व्यापारी वर्ग खासा परेशान हुआ। अब किस तरह से सभी को बीजेपी साथ के चलने की कोशिश करेगी, ये कल बजट में जरूर देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना 5वां और मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे कल। बेहद खास दिन है बीजेपी के लिए, 5वां और आखिरी पूर्ण बजट पेश होगा बीजेपी की तरफ से। इन बजट पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी या फिर 2019 के चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन घोषणाएं की तरफ रुख मोड़ दिया जाएगा बजट का, यह सोचने का विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के सामने जो ज्यादातर चुनौतियां हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, इस तरह के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये सोचने वाला विषय है। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी राहत ये आने वाली है, जो विकास दर के मुताबिक अच्छा रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस साल जहां विकास दर 6 से 6.5% के बीच रहेगी, वहीं अगले साल ये विकास दर बढ़कर 7 से 7.5% हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये चुनौती अपने आप खत्म हो जाएगी सरकार के लिए।
और आने वाले दिनों में यह भी बताया जा रहा है कि देश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और नई नौकरियां पैदा होंगी। देश में रोजगार बढ़ने से केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती का हल तो अपने आप ही निकल आएगा और आम चुनावों में सरकार के लिए जीत की राह अपने आप ही आसान हो जाएगी, क्योंकि जो देश का बड़ा वोट बैंक है जिसको लेकर मोदी सरकार ने तमाम दावे करे थे, तमाम वादे करे थे कि जो भी युवा वर्ग है उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी के चीजें उत्पन्न की जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आज के समय की हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी नहीं, लेकिन अगर ऐसा इस बजट में होता है तो एक अच्छी उम्मीद है और 2019 की राह भी बीजेपी के लिए अपने आप ही आसान हो जाएगी। और एक और बड़ी समस्या है जीएसटी, और सर्वे के अकॉर्डिंग हम अगर जीएसटी पर बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि 6 से 12 महीने के अंदर जीएसटी से जो भी परेशानियां आई हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। तो एक जो वर्ग नाराज है बीजेपी से, वो अपने आप ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और एक बड़ा सवाल है अब किसानों की समस्याओं को लेकर, तो जो किसानों की समस्या है उन पर क्या कुछ काम किया जाता है। हालांकि ये भी वादा किया था बीजेपी ने कि 2022 में किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। 2022 का समय ज्यादा दूर नहीं है, करीब 3 या 4 साल होंगे। अब उसमें ऐसा हो पाता है या नहीं, मौजूदा स्थिति तो किसानों की बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम यूपी की बात कर लें किसानों की, या फिर उत्तराखंड की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, देश में कहीं की बात कर लें, यूपी में अभी कुछ दिन पहले ही मामला आया था जहां सड़कों पर आलू फेंक कर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन और कर्ज माफी की बात कर लें तो उसमें भी किसानों ने तमाम तरह के सवाल, और बीजेपी की तरफ से मजाक ही किया गया था किसानों का कर्ज माफ करके। लेकिन अब ये सोचने का विषय है कि इस पर सरकार किस तरह से काम करती है, क्योंकि 2019 के चुनाव भी नजदीक हैं। इस बजट में क्या कुछ किसानों के लिए होता है, तमाम तरह की चीजें हैं और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी। हालांकि इंतजार कल सभी को कल का ही है कि किसके लिए क्या निकलता है अरुण जेटली की पोटली से, यह सोचने का विषय है। तो आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। जिस तरह से देखा जाए बहुत ही टेक्निकली बजट को पेश किया जाता है, लेकिन आर्थिक सलाहकार बहुत ही बारीकियों के साथ इस बजट को समझाएंगे। ऐसा कहा गया इस बार महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। बजट में महिलाओं को रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीदें जताई जा रही है। खाने पीने की वस्तुएं जीएसटी के बाद हुई है काफी महंगी, जिस पर बजट में पेश महिलाओं को उम्मीद है कि शायद हमारे लिए कुछ राहत की खबर हो। इस बार महंगाई को कम करने की महिलाओं ने उम्मीद लगाई है। गैस सिलेंडर, बिजली, पानी और इलेक्ट्रिक सामान को सस्ता किया जाए, इस तरह की भी उम्मीदें महिलाओं की तरफ से हैं। चोरी रोकने के लिए नकद लेन देन पर प्रतिबंध किया जाए। 1 फरवरी 2018 को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। कल बीजेपी सरकार के लिए, अरुण जेटली के लिए काफी बड़ा दिन है और इस दिन को कैसे बीजेपी प्रस्तुत करती है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, क्योंकि इस 5वें और बीजेपी के आखिरी पूर्ण बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और लगातार हम आपको कल अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ खास है लोगों के लिए इस बजट में, और भी सारी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम बात कर लें महिलाओं को लेकर, युवा को लेकर, किसानों को लेकर, क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल जिस तरह से अरुण जेटली अपना 5वां और आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं, बीजेपी के लिए बेहद खास दिन है। किस तरह से इस बजट को पेश किया जाता है, क्या लगता है, केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी या फिर 2019 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। और जिस तरह से देखा जाए इस बजट पर अगर हम महिलाओं की बात कर लें, महिलाओं को भी खासा उम्मीदें हैं, व्यापारी वर्ग को उम्मीदें हैं, किसान को उम्मीदें हैं, युवा वर्ग को भी उम्मीदें हैं कि किस तरह से बेरोजगारी देश से कम होगी। लगातार तमाम तरह के सवाल इस बजट के साथ कल खत्म होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, या और भी सवाल उठ सकते हैं लोगों के मन में, क्योंकि कल अरुण जेटली की पोटली से लोगों के लिए क्या कुछ निकलेगा, हर विशेष वर्ग के लिए क्या चीजें निकलेंगी, कैसे कैसे किस किस का ध्यान रखा जाएगा, वो सोचने वाला विषय है। खास उम्मीद ये भी है कि 2019 का चुनाव भी नजदीक है, उसको देखते हुए आर्थिक सुधार जारी रखेगा केंद्र सरकार या फिर लोक लुभावन वादे किए जाएंगे
इस बजट में, ये देखने वाली बात है, सोचने का विषय है। सरकार अगर बात कर ले हम किसानों की, किसानों के लिए क्या कुछ चीजें साफ होती हैं, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम बात कर ले किसानों का बुरा हाल है, यूपी की बात कर ले या हिमाचल की बात कर ले, और साथ ही आपको बता दें सादाब सम्स नेता बीजेपी हमारे साथ लाइव देहरादून से जुड़ गए हैं। सादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सादाब जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल अरुण जेटली पांचवा और आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रहे हैं, बेहद खास दिन है बीजेपी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आखिरी बजट नहीं होगा, मुझे लगता है कि इसके बाद भी मौका मिलेगा। जी रही बात, ये उम्मीदों का बजट, जिन सपनों की बातें हमारी सरकार ने, उनकी उम्मीदों को पंख देने वाला बजट होगा। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, दुनिया ने भारत को जाना है, समझा है, आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और हम चाइना से आगे निकल गए हैं। आज दुनिया के अंदर थर्ड पॉपुलर व्यक्ति का नाम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, जहां पूरी दुनिया मेक इन इंडिया का लोहा मान गई है, जहां 26 जनवरी पे भी आपने देखा होगा पूरी दुनिया के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख हमारे देश आते हैं, और हम जो दुनिया से अपनी रक्षा का सामान खरीदते थे, आज वो हमसे कहते हैं कि किसी को हेलीकॉप्टर चाहिए, किसी को मिसाइल चाहिए। आज कहीं ना कहीं देश मजबूती से खड़ा है, जो एक सोच होती थी पिछली सरकारों में कि देश, जब उत्तराखंड देश हमें मिला विरासत में यूपीए की तरफ से, तो कांग्रेस सरकार ने जब विरासत में ये देश दिया था आज से 3-4 साल पहले, तो आपने देखा होगा तब ये देश दिवालिया होने की कगार पे था। लोग कह रहे थे कि ये इसकी आर्थिक स्थिति बहुत टूट चुकी है, सादाब जी खड़े हैं, बैंक्रप्ट हो सकता है ये। सर, आपने कहा उम्मीदों का बजट, किस हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होगा इस बजट में, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत बजट होगा और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे अब पहले आपके पास बैंकों में पैसा नहीं था, आज आपको जान के खुशी होगी 4,00,000 करोड़ रुपए आप बैंक्स लोन दे चुके हैं युवाओं को रोजगार के लिए जी। और क्योंकि बैंकों के पास अब पैसा है, जीएसटी आने से सादाब जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आसिफ खान जी, जो कि अट्टा मार्केट में है। वहां के लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं लोगों की इस बजट से, और कितना खास माना जा रहा है इस बजट को? आसिफ खान, बिल्कुल, अगर अनन्या बात करें बजट को लेकर, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, महिलाओं को भी उम्मीदें इस बात को लेकर है कि जब बजट पेश किया जाएगा कल, तो महिलाओं के लिए भी जरूर उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, और इसी उम्मीद की नजर से महिलाएं नजरें लगाए बैठी हैं कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो उस बजट में क्या कुछ होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, कल अरुण जेटली बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको उस बजट से? सर, कोई भी उम्मीदें नहीं है, क्योंकि बजट मिडिल क्लास के हिसाब से होता ही नहीं है, जो भी अपर लेवल के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट ऊपर हो नीचे हो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क हम मिडिल क्लास लोगों को ही पड़ता है। मिडिल क्लास के ऊपर ही ज्यादातर बोझ डालते हैं। हाँ जी, हमेशा ऐसे ही होता है, मेट्रो का रेंट देख लीजिए, वो भी बढ़ता ही है, कभी घटा तो नहीं है, और जो एलपीजी गैस है उसके रेट भी हमेशा बढ़ते हैं, कभी नहीं घटाए जाते, आज तक कभी घटा ही नहीं है, बजट हमेशा ऊपर ही अपर लेवल पे ही गया है, लोगों तो कभी हुआ ही नहीं है। आपकी चुनाव का वक्त है, हो सकता है कि सरकार महिलाओं को लेकर कम से कम, और महिलाओं को लेकर लड़ रही, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, महिलाओं की बात ये कर रही है, तो हो सकता है महिलाओं के लिए ज्यादा रियायत दे। अपना ही फायदा होता है सर उसमें, हमारा कोई फायदा नहीं होता, उनका अपना ही बेनिफिट होता है उसमें भी। अगर रजिस्ट्री की बात करें तो महिलाओं के नाम होती तो वहाँ पर रियायत उन्होंने दी है, सरकार ने दी है, तो महिलाओं को लेकर काम कर रही है सरकार, महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी है कि कल बजट पेश होगा
तो महिलाओं को कुछ ना कुछ मिलेगी रियायत, आपको उम्मीद नहीं? रियायत देते हैं तो दूसरी जगह पे वो कवर कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को सफर करना ही पड़ता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चार साल से सरकार ने कुछ नहीं किया तो अभी भी कुछ नहीं करने वाले? नहीं, किया तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपने हित में रहकर ही करते हैं, सारा हमारे हित में ही नहीं सोचते वो। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, अपना हित देखेंगे तो जनता का हित भी देखना पड़ेगा ना उनको? अभी तो देखना पड़ेगा, वो जब जीत जाएंगे उसके बाद की बात में देखी जाएगी सर। अगर महिलाओं के लिए आपकी कुछ नहीं किया बजट में तो महिलाओं का गुस्सा क्या उतरेगा सरकार? गुस्सा तो आएगा, थोड़े टाइम आता है फिर सब वैसा ही हो जाता है, नॉर्मल भूल जाते हैं, टाइम कहाँ ऐसे ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं जैसे गवर्नमेंट चाहती है बस। आप कहाँ, दिल्ली में रहते? नोएडा में, यही नोएडा में रहते। आपको लग रहा है कि बजट पूरा गड़बड़ा गया है, किचन का बजट गड़बड़ा गया, महंगाई इन्होंने कहा था कि कम होगी, महंगाई कम हुई? बिल्कुल भी कम नहीं हुई सर, ना मेट्रो का किराया देख लीजिए, अब डेली जिनको आदत पड़ चुकी है जाने की उनको जाना ही जाना है, अब 20 रुपए बढ़ाए 40 बढ़ाए उन्होंने तो जाना ही जाना है। डेली का कोई खास रियायत नहीं कर रही? आसिफ खान जी रियायत है सर, मतलब जो डेली का अप डाउन करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कि जिस तरह से आपके साथ एक महिला मौजूद थी उन्होंने कहा कि ये जो बजट होता है वो मिडिल क्लास के से ऊपर वाले लोगों के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता, अगर कहीं रियायत बरती जाती है तो कहीं उसे कवर भी कर लिया जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे लगता है कि शायद हमसे नाराजगी है उनकी, कुछ पर्सनल नाराजगी हो सकती है, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे महंगाई पे हमने लगाम लगाई है, जो दाल 200 रुपए किलो बिकती थी आज वो 60 रुपए किलो बिक रही है, सब्जियां आम रेट पे मिल रही हैं, जिस गैस को कांग्रेस सरकार में 7 से 9 सिलेंडर देने की बात होती थी वो गैस आज घर घर पहुंच रही है और गैस की कोई किल्लत इस मुल्क में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गैस के लिए लोग ब्लैक में गैस खरीदते थे, 800 और 1000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में लेते थे लोग, तो काला बाजार बढ़ रहा था। ट्रांसपेरेंसी लाए हैं कि नहीं? जो आदमी आपके खाते में जो सब्सिडी आपको मिलती है बीच में जो लोग खा जाते थे आज वो आपके अकाउंट में आ रही है। आज लग रहा है कि आपकी अपनी सरकार कुछ आपके लिए कर रही है, लेकिन अगर कुछ लोगों के ऊपर आंख के ऊपर आज भी पार्टी का चश्मा चढ़ा है तो उसे तो हम उतार नहीं सकते। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बहुत ईमानदारी के साथ ये सरकार ने काम किया, जहां एक तरफ देश को लूटने और लुटवाने की बात होती थी, रोज कोई ना कोई नए घोटाले सामने आते थे, इस सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है उस सरकार में विपक्ष के पास भी हिम्मत नहीं हो सकी कि माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल। शादाब जी, जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से काम किया सरकार ने, आपको बता दें हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद थे आज अट्टा मार्केट में, वहां कई सारे लोगों से उन्होंने बातचीत की, जहां से सिर्फ एक ही फीडबैक आया जनता का कि हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, महंगाई लगातार बढ़ी है, किसान परेशान है और जो युवा है वो बेरोजगार है, तो काम किया गया तो कहां किया गया, अच्छे दिन के नाम पर एक जुमला बन के रह गया। अब तो लोग ये कह रहे हैं क्या वाकई में कभी आएंगे अच्छे दिन, या 2019 के बाद आएंगे, या 2019 एक साल चुनाव के लिए बचा है, कब आएंगे अच्छे दिन, इस तरह से लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं लोग कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनन्या, ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं भाई आपने हमें अपने घर दावत पे बुलाया है और खाना खाने के बाद कहते हैं भाई दावत कहाँ है, ये तो पता ही नहीं चला हमें भाई दावत कहाँ थी, भाई दावत कोई स्पेशल थोड़ी ना थी, खाना खिलाया जाता है, अच्छे लोग उस दावत को दावत समझ लेते हैं, बुरे लोग कहते हैं बस पेटी तो भरा है बाकी क्या हुआ है। हम इस बात में इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें बड़ी गौर से मेरी सर, शायद आप एग्जांपल गलत दे रहे हैं सर, जहां एक नहीं नहीं मैं बिल्कुल गलत एग्जांपल नहीं दे नहीं नहीं सर, अगर इस तरह की चीजें होती तो लोग परेशान नहीं होते, लूटने पे लगे हुए थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर जो रोड बनाने की तेजी, शादाब जी आपको रोकना चाहूंगी, सैफ खान कुछ कहना चाहते हैं जी, बात रखिए अपनी। जी बोलिए सैफ जी, बोलिए आसिफ खान बोलिए बात रखिए अपनी। बिल्कुल अनन्या, जिस तरह से बिल्कुल मैं सुन रहा था शम्स साहब को, मैं सुन रहा था शम्स साहब का कहना है कि सरकार ने बेहतर काम किया,
अगर सरकार बेहतर काम करती तो आज व्यापारी उनसे नाराज नहीं होते। जीएसटी नोटबंदी ने कारोबारियों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कारोबारी किस तरह से नाराज थे। कारोबारियों का कहना कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से उनके कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों को एक काफी उम्मीद थी कि केंद्र में अगर एनडीए की सरकार अनन्या बनेगी तो बड़ा फायदा किसानों का होगा और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें अनन्या तो बाकी राज्यों में किसानों के कर्ज को माफ नहीं किया है। उत्तराखंड में भी आज भी किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं शम्स साहब और उत्तराखंड के किसान कर्ज माफी को लेकर अभी तक मांग कर रहे हैं। गन्ने का बकाया भुगतान उत्तराखंड में नहीं मिला है अनन्या, ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान है, व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है, सबकी निगाहें इस तरफ को लगी हुई है। व्यापार सलाहकार भी हमारे साथ अनन्या मौजूद है, उनका कहना है कि व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ। शम साथ बीजेपी नेता है, उनका कहना है कि हमने सबके लिए काम किया, नोटबंदी जीएसटी से कोई नुकसान नहीं हुआ। आप बताइए कि हालात किस तरह के बने हुए हैं इस वक्त व्यापार के? नहीं सर, देखिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आज मैं एक डाटा देख रहा था उनकी वेबसाइट से। क्वार्टर वन से ही अगर आप देखेंगे सर 2017 से उसमें वो डीग्रोथ दिखा रहा था। ठीक है, अब चूंकि आपकी गवर्नमेंट है मे भी आप हमेशा जो है उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। बहुत से मामले में मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे दिक्कत नोटबंदी या जीएसटी से नहीं है, मुझे दिक्कत इस चीज से है जो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे होती है वो ये होती है कि आपको अपना सपोज आपका एक कोई बिजनेस हाउस है, आपको रिनोवेट कराना है तो क्या आप मार्केट में हुई बिजनेस एक्टिविटीज बंद हुई, बिजनेस एक्टिविटीज डल पड़ गई, चाहे वो इस कारण हुई हो कि जीएसटी क्या है कैसे समझे, लोग सीए के पास भाग रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी उस तरीके से तैयार नहीं थी कि किस तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाना है। इतने अनन्या कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बिल्कुल 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 बत, जी। नहीं आगे तो आती है, बोल रहे हैं आप, कितने उम्मीद है कल बजट पेश, बजट से कुछ उम्मीद है? माँ जी आप क्या कह रहे हैं, क्या सरकार केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए? चलिए शायद हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत इनको हो रही है क्योंकि ये दूसरे इलाके के साउथ इलाके के इंडियन के लोग हैं, इनको शायद इनका कहना कि हम हिंदी बोलने में इतना कंफर्ट नहीं है इसी वजह से। हमारे साथ एके मिश्रा जी लगातार बने हुए। एके मिश्रा जी, सरकार किस किस को साधेगी? लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, किसान काफी नाराज है, व्यापारी काफी नाराज है, किस किस को साधेगी सरकार? राजस्व कहाँ है उनके पास इतना? अरुण जेटली जी ने पहले कह दिया था कि राज्यों की सरकारें किसानों का कर्ज माफ करती तो अपने दम पे करें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, इस हालत में नहीं है। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, मैं नहीं समझता हूँ कि राजस्व की कमी जो है आज अपने गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो, एफडीआई के थ्रू आए, या इतने सारे जो टैक्सेस लगे हैं, पहले लगे थे नोटबंदी में सारे पैसे को जमा कराया गया, तो गवर्नमेंट तो इस वक्त बहुत इनरिच है। मे भी गवर्नमेंट की ये प्री प्लान पॉलिसी हो सकती है, प्लान हो सकता है। देखिए अभी एक एंगल और देखिए आप, 7-8 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, 2018 में ही होंगे, तो इन सब चीजों को भी देखते हुए अब ये अपना पिटारा खोलेंगे राजस्व की, मुझे नहीं लगता। 19 में लोकसभा, 19 में लगातार ये सीरियल में 7-8 राज्य, उसके बाद आपके 19 में इलेक्शन आ जाएंगे, इनको करके दिखाना है। सारे वादे जो इनके पूरे नहीं हुए वो 1-1.5 साल में ये पूरे करेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत सारे डाटा खुद बोलते हैं राजस्व की कमी इनके पास नहीं है और होगी भी नहीं, और उस राजस्व को मुझे लगता है अब ये यूज करेंगे अच्छे तरीके से। शम्स साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा था कि किसानों गरीबों के मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे, अभी तक अच्छे दिन नहीं आए, आप किस किस को साधेंगे? किसान काफी ज्यादा नाराज है, आलू की फसलों के दाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्याज के दाम उनको नहीं मिले थे और जब व्यापारियों के पास प्याज पहुंच गया था तब उसके दाम आसमान छू रहे हैं अब। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो अपना बजट का जो आप दिखा रहे थे और आपने जो व्यापारी का दर्द हमें दिखाया, साफ साफ व्यापारी कह रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप ईमानदारी से नुकसान हुआ है जो आपको लोग नुकसान हुआ है नोटबंदी जीएसटी से लगातार लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने जो बताया कि हम व्यापारी हैं, सुनिए ना आसिफ साहब, आपने बोला मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये कहा कि हाँ कुछ परेशानियां जरूर आई हैं,
जीएसटी से। ये हम भी मानते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों को उसे फॉलो करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और इसलिए सरकार पूरा मन बना चुकी है कि अपने व्यापारी भाइयों को हम दिक्कत नहीं आने देंगे। उनकी दिक्कतें देश की सरकार की दिक्कतें, जितनी उन्हें रिलैक्सेशन दी जा सकेगी उतनी सरकार देगी। दूसरी बात, जो आपने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं, किसी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, अब वो खुद भी काम कर रहे हैं, एक लघु उद्योग लगाएंगे, आगे उनके यहाँ जो लोग काम करेंगे तो नौकरियों तो मिलेंगे। शम्स ताहिर जी, आपने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हर साल देंगे, आपने वो वायदा पूरा नहीं किया। आपने किसानों से कहा सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना, आपने वो वायदा पूरा नहीं किया। थोड़ा सा आसिफ साहब सुन, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ शम्स ताहिर जी, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। कैसे वादा पूरा किया है आप, जब तक नहीं सुनेंगे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आसिफ साहब सुनिए, आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जब रोड रोजगार कितने लोगों की बनती थी, अब 3 गुना बन रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब एक नेशनल हाईवे जो बनता था इस देश में, उसकी रफ्तार 3 गुना हो गई है, वो 3 गुना ज्यादा बन रहा है, तो जब 3 गुना ज्यादा बनेगा तो लोग भी ज्यादा काम करेंगे। आज जब देश दुनिया में चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल रहा है तो लोग काम कर रहे होंगे, रोजगार होगा तब तो आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने प्राइवेटाइजेशन में बहुत शम्स साहब आपके ही शम्स साहब कहां का शम्स साहब आपके ही उत्तराखंड के अंदर शम्स साहब आपके उत्तराखंड में ही जब जनता दरबार लगा था कैबिनेट मंत्री का, व्यापारी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आप खुद देखिए हालात किस जैसे हैं। व्यापारियों का कहना कि ट्रांसपोर्ट जो व्यापार था वो खत्म हो गया, छोटा और मझोले कारोबार पर बड़ा फर्क पड़ा। आसिफ साहब अगर आप मौका देंगे मैं आपको समझाऊंगा। वो हादसा मेरे सामने हुआ, मैं सामने मौजूद था, और अगर आपने गौर से उस चिट्ठी को पढ़ा होगा तो व्यापारी ने लिखा कि अगस्त 2016 से मैं परेशान हूं। अगस्त 2016 में न जीएसटी आया था न नोटबंदी आई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर कोई व्यापारी कांग्रेस की सरकारों में उनकी नीतियों से परेशान है तो उसमें हमारे सर पे ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि कई जगह शम्स साहब हालात ऐसे होते हैं। शम्स साहब आप बेशक उस कार्यक्रम में थे, शम्स साहब आप जनता दरबार जो लगा था उस कार्यक्रम में आप मौजूद वहां पर थे, कैबिनेट मंत्री के साथ आप वहां पर मौजूद थे। लेकिन उस शख्स ने यह कहा था कि पिछली सरकारें हमारी बात सुन रही थी, ये सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया था और कहा था कि पिछली सरकारें बेहतर थी, कम से कम सुनती थी। ये बात आपने सुनी थी, आप वहां पर मौजूद थे, मैंने भी पूरा वीडियो देखा था। शम्स साहब आज भी आप जी आसिफ साहब, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला व्यक्ति मैं था और मैंने रास्ते में उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, लेकिन दिक्कत और हालात इस वक्त आ गए हैं कि ठेकेदार मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ठेकेदार एक्सक्यूज लगा रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान का हर आदमी खुश है, लेकिन हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हमारे बाप दादा हम लोग खुद जमीन से नीचे ऊपर आए हैं और हर आदमी ने अपने जीवन में संघर्ष करके हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, तो उसमें हर हिंदुस्तानी का हक है, हर हिंदुस्तानी की वजह से आगे बढ़ा है। आप लोगों ने संघर्ष करके आगे बढ़ा है। हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है जो छोटी छोटी चीजों से वो भाग जाए या सुसाइड कर ले। शादाब जी आपको रोकना चाहूंगी। आसिफ जी आप वहाँ सेक्टर 18 में मौजूद हैं, वहाँ आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ राय उनकी बजट को लेकर। बिल्कुल, काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बजट को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आर्थिक मामला है, ये बजट का मामला है, इसलिए थोड़ा युवा थोड़ा बच रहे हैं कि बजट को लेकर उनके समझ में नहीं। लेकिन युवाओं का कहना है कि रोजगार को लेकर बड़ा नुकसान उठा, सरकार ने क्या उन रोजगार देने का वायदा पूरा किया है, 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल बात कही थी। देखिए, आपको बता दें कि ये जो बीजेपी की सरकार जब से आई है, जब से जो रोजगार देने की बात की थी, कहीं से कहीं तक भी कोई भी रोजगार अब तक नहीं दिया गया है।
क्योंकि जो प्रदेश सरकार है और सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो बोलती रहती है कि हम जो युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देने के नाम पर इन्होंने केवल जो अपने वोट बैंक है वो बढ़ाया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। क्योंकि जैसे पहले बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही टीवी में खबरें आ रही थी, अब भी दो तीन दिन पहले खबरें आई हैं कि एक बीटेक एमटेक इतनी क्वालिफिकेशन वाले लोग भी एक सरकारी मुलाजिम की गाड़ी चलाने के लिए करीब 2000 आवेदन निकले थे और 60,000 आवेदन लोगों ने किए थे और वहां पे पुलिस ने लाठियां भी बांधी हैं। तो इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि जो है रोजगार जो लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। शादाब जी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। रोजगार नहीं दिया 2 करोड़, रोजगार तो लोग दे ही नहीं रहे सरकार। अनन्य एक और हमारे साथ और एक युवा है, बताइए क्या नाम है आपका। सरकार ने रोजगार देने का वायदा किया था क्या? रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। आपको लग रहा है सरकार ने काम अच्छे किए, युवाओं के लिए कुछ किया है काम? युवाओं के लिए कुछ तो लोग दिख ही नहीं रहा है, क्या किए हैं सरकार? कुछ कम नहीं किया है। नहीं किया और बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ का योजना दिया है, ये मतलब क्या है? बिजनेस और रोजगार में तो कुछ अंतर ही नहीं गुजारा है एक तरह से। हाल फिलहाल में ही पीछे चिदम्बरम जी बोले थे ना कि अगर पकौड़े बेचना जॉब है तो भीख मांगना भी एक तरह से रोजगार ही है, मतलब क्या हम लोग वही करें? अब उम्मीद नहीं है क्या? चलिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक कल आम बजट पेश किया जाएगा, आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या अच्छे दिन आएंगे? अब सरकार का आखिरी साल है, ये आखिरी बजट है, क्या अच्छे दिन आएंगे, ऐसा बजट होगा? उम्मीद तो है, उम्मीद तो कर रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, बट अभी तक तो आए नहीं है। अभी तक तो नहीं आई है। आम जनता के लिए तो चीजें और महंगी होती जा रही है, टैक्सेस इतने लग रहे हैं, टैक्सेस लीवीज एवरीथिंग, बट उम्मीद है, लेट्स सी टुमारो क्या होता है। लेकिन आपको लग रहा है 4 साल में नहीं हुआ तो 1 साल में कैसे कर देगी? जादू छड़ी नहीं है सरकार के पास, घुमाएगी वो हो जाएगा? नहीं घुमाएगी नहीं, हो जाएगा नहीं, वो तो सही बात है आपकी। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें जो न्यूज में हम लोग देख रहे हैं और उसमें सुनाई पड़ रहा है कि कुछ गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बिकॉज हो सकता है 4 साल में ना जो वो लोग ना कर पाए, हो सकता है इस साल में कुछ अच्छी न्यूज आए, लेट्स सी उम्मीद है। लेकिन अभी तक तो सरकार कहती चली आई है कि बजट की कमी है, अब चुनाव का वक्त है, कई राज्यों में चुनाव होना, इसीलिए और चुनाव भी होना 2000, इसीलिए हो सकता है फ्रॉम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग कुछ करें। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, क्या उम्मीद है सरकार? मेरा नाम विद्याधर झा है। हाँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से आम बजट कल पेश किया जाएगा? देखिए सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार के द्वारा, और मैंने बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिसके बारे में मतलब डीपली से बताना, आप लोग खुद समझ रहे हैं जान रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला विषय यह है कि रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा और रोजगार की मात्रा घटाई जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसका एक उदाहरण रेलवे आपके सामने में है। आज से 5 साल पहले के रेलवे के वैकेंसी को आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी थी, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे स्किल्ड कर रहे हैं आदमी को, लेकिन स्किल्ड आदमी कहाँ जाएगा? उन्होंने तो ज्यादा वादा किया था, उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। नहीं सब हवाई वादे थे सब, हाँ, कहीं उस वादे का कहीं भी जमीन पर कोई उसका ये स्थान नहीं है। अब आपको लग रहा है कि उम्मीद को चुनाव का वक्त कुछ नहीं, कोई चुनाव नहीं, यहाँ पर सिर्फ पूंजीपति वर्ग का ही उदय हो पाएगा। पूंजीपति वर्ग का हो पाएगा या आम लोगों की सरकार भी है, या आम लोग ही चुनती है सरकार को? सर आम लोग तो चुनते हैं, मगर आम लोग ही परेशान है आज के डेट में। सरकार जो है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए पब्लिक को बेवकूफ बनाती है। ठीक है सर, सरकार आगे कुछ करेगी लग रहा है आपको? सर मुश्किल है, जब अभी नहीं कर पा रही तो आगे क्या करेगी? सर अभी नहीं कर पा रही, आगे क्या कर पाएगी? अनन्या ये कुछ कहना है, हमारे साथ व्यापार एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है अनन्या। तो लोग कह रहे हैं कि अभी तक नहीं कर पाई, 4 साल में नहीं कर पाई, तो सरकार आगे क्या कुछ करेगी? हालांकि कुछ को उम्मीद भी है। देखिए युवाओं का जो ये आक्रोश है वो सही है, अगर आपका 90% टाइम पास आउट हो चुका है तो या तो आप ये बोलिए कि भाई उनके हाथ में कोई ऐसी मैजिक स्टिक है कि वो उसको हवा में घुमाएंगे और सारे रोजगार पैदा हो जाएंगे। डिफेक्टो अगर देखा जाए तो रोजगार को पैदा करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये 3-4 डिफरेंट सेगमेंट और तरीकों से हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि आपके पास FDI है, नई कंपनियां है और वहां पर रोजगार पैदा हो, गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है। और उसके बाद अगर नहीं है तो आप अपने जो श्रम शक्ति है आपके पास, वो चाहे लेबर हो चाहे टैलेंट पूल हो, उसको फॉरेन एक्सपोर्ट किया जाए, उस टैलेंट को फॉरेन एक्सपोर्ट किया जाए, लोग फॉरेन में जाकर के रोजगार करें, तो पूरे कंट्री के रोजगार को अगर मैनेज करना है या जो प्रोमिसेस थे, नो डाउट इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मुद्रा बैंक की प्लानिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन वहां पे मैं ये देखता हूं कई लोगों ने अप्रोच किया, उनके प्रोसेस इतने ज्यादा टफ है या इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि आदमी जाता है वहां पे कि मैं कुछ लोन लेकर के, छोटा मोटा लोन लेके मैं अपना काम शुरू करूं, वो उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पाता है। जैसे गारंटर वगैरह मांगते हैं, कोई रेडी नहीं होता है,
तो थोड़ा सा इजी आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट का ये प्लान जो है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने ये बोला स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। और इनका जो ये सपना है कि इंडिया मस्ट बी एंड इंडिया हैव द कैपेबिलिटी टू बी द नेक्स्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर यूएसए, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? सरकार ने वायदे किए, दावे किए, स्कीम बनाई, लेकिन लागू नहीं किया। और लोग हमारे साथ, चलिए युवा हमारे साथ मौजूद है, कल बजट पेश होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा वोटर युवा है, तो सरकार युवाओं पर ही एक बार फिर से जो है उनको भरोसा करेगी और उनको साधने की, मनाने की कोशिश करेगी। क्या रोजगार युवाओं को मिले हैं, क्या उम्मीद है इस केंद्र सरकार से? चार साल देख चुके हैं हम, तो हमेशा यही उम्मीद करेंगे सरकार के लिए, वोटिंग करते हैं हम लोग, सारे लोग मिलकर वोटिंग करते हैं, यही सोचते हैं कि शायद हमारे लिए भी कुछ करेगी सरकार। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमें लगे कि हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है। इवन अपने काम को छोड़ करके, घर के काम को छोड़ करके, ऑफिस के काम को छोड़ करके, और सारे लोगों ने संगठन बना के ये किया कि ये सरकार आएगी, पिछली सरकारों ने तो कुछ नहीं किया अभी तक, अभी हमें लगा कि शायद ये सरकार कुछ ना कुछ करेगी हमारे लिए, हमें तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक जो भी वादे किए उन्होंने सरकार ने, अभी तक हमारे वादे को तो पूरा किया नहीं है अभी तक। बिल्कुल अन्य सुन रहे थे, लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी है कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, आगे क्या होगा, फिर भी कुछ लोग सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी। शम्स साहब अगर देखते होंगे, अगर सुनते होंगे, तो शायद आम जनता की पीड़ा उनको सुनाई और दिखाई देती होगी। शम्स साहब जवाब दीजिए, अब आप, सीधे सवाल आपसे है मेरा, जनता का सवाल आपसे है। मैं बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई, मैं आपकी बात को बड़ी सीरियसली सुन रहा हूं, और मुझे लगता है कि यकीनन अभी अच्छे दिन का आना बाकी है। हम ये नहीं दावा कर रहे कि अच्छे दिन आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं। कितना कम से कम 4 साल हो गए आपको, आ चुके हैं, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल 4 साल में। आप ये देखिए, ये अच्छे दिन होते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में, जिसे जो लूटा जा रहा था आपको, उसे रोकने में आप कामयाब हुए हैं, ईमानदारी से इस बात को सब मानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि उसे भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुए, देश को दुनिया के पटल पे दिखाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए, मेक इन इंडिया को दुनिया को दिखाने में हम कामयाब हुए हैं। आज दुनिया ने हमारा लोहा माना है और ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शम्स साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब ज्यादा हम मजबूत होंगे, हमें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर तौर पर मजबूत होना होगा, आर्थिक तौर पर भी मजबूत होना होगा, और इसके लिए हमें किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, व्यापारियों को मजबूत करना पड़ेगा। तभी इस देश के अंदर, आसिफ साहब, आसिफ भाई सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, तभी FDI आई है और FDI का निवेश बहुत तेजी से आ रहा है। आप कल बजट में देखेंगे कि इस बार बहुत, मैंने कहा जब सबसे पहले मैं यहाँ बैठा कि ये जो बजट होगा ये उम्मीदों की उड़ान को पंख देने वाला बजट होगा, और इसलिए कि आज बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं है। आज इस देश के अंदर हमारे बैंक दिवालिया होने की कगार पे नहीं खड़े हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो लोग काम करना चाहते हैं आज उनके लिए लोन अवेलेबल है। आज आपको काम करना है और काम करने के लिए मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट आपके पास है। यकीनन ये बात जरूर है कि हाँ, जो उम्मीदें लोगों को हमसे थी वो अभी पूरी तरह पूरी नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द चुनाव आते आते आप देखेंगे कि काफी हद तक हम कुछ दिखाने में कामयाब रहेंगे, और आने वाले वक्त में देश की जनता आज भी हम पे यकीन करती है कि हम ईमानदारी से जो कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, यकीन किया जाए, हमारी नियत देश को आगे बढ़ाने की। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, बात रखिये आसिफ जी अपनी बात। शम्स साहब, अब सवाल इस बात को लेकर, आप कह रहे हैं कि जरूर अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? एक लंबा वक्त हो गया, आप कह रहे हैं कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे? किसानों को लेकर आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह कहा था कि हमारे पास राजस्व इतना नहीं है, केंद्र सरकार के पास इतना नहीं है, राज्य सरकारें अगर माफ करे किसानों का कर्ज तो अपने दम पर माफ करे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कहा है, और मैं एक बात और बता दूं आपको कि आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, तभी हमने उत्तर प्रदेश में माफ किया, और हमने माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में ये वादा किया है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान की आय को दोगुना करके दिखाएंगे, और इसके लिए हम सरकार किसानों को
0% एक तरह से, सिर्फ मात्र 2% सालाना पे हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, कि कोई ये ना समझे कि उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। और किसी तरह से ऋण कई कई हजार किसानों को हम ऋण उपलब्ध करा चुके हैं, इसलिए जो हमारी नियत ये है, हम सब लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। देश का किसान मजबूत होगा, देश का युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत करने की जिम्मेदारी माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पे ली है। मुझे लगता है आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, और इस उम्मीद के साथ कि कल बजट में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप देखेंगे कि अब देश आगे की तरफ बढ़ते हुए, जैसे कहा जाता है कि एक विमान पहले नीचे से उड़ता है और फिर हवा में टेक ऑफ कर जाता है, उस दिशा में ये बजट जाता हुआ दिखाई देगा। और देश की बिल्कुल शाना की तो देखने वाली बात होगी कि बजट किस तरह का होगा, कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। जी शादाब जी, एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखने का काम करेगी, या फिर 2019 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन वादे तो नहीं किए जाएंगे इस बजट में? अनन्या बिल्कुल नहीं, हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हम रहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे ना रहे, माननीय मोदी जी रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। इसलिए इस देश के लिए जो आवश्यकता होगी वो काम किए जाएंगे, क्योंकि हमारी नियत अपने बच्चों को, माननीय मोदी जी की नियत ये नहीं है कि कल को मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, मेरी बेटी प्रधानमंत्री बने, या हमारी विचारधारा उस तरह की विचारधारा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली, आज बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो बच्चा खुश नहीं होता, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, देश तो रहना ही रहना है, उस बच्चे को आराम मिलता है, वो जो बीमारी से ग्रसित शादाब जी सुनिए, सर सुनिए, पहले सुनिए सर, जीडीपी शादाब जी, आप किसको साधेंगे? आप किसानों को साधेंगे, आप व्यापारियों को साधेंगे, आप युवाओं को साधेंगे, आप कारोबारियों को साधेंगे, आप किस किस को साधेंगे? काफी लोग आपसे नाराज बैठे हैं, और इतना राजस्व कहाँ से आएगा? देखिए राजस्व आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, माननीय मोदी जी एक मजदूर की तरह दिन रात लगे हैं कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, देशों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं, और उसका नतीजा है कि लगभग 60 अरब डॉलर अमेरिका ने देने का वादा किया है, लगभग कई सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, कई सौ अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस देश में आने के लिए तैयार बैठा है, हाथ फैलाए बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि इस देश के अंदर। बिल्कुल शादाब जी आपको रोकना चाहूंगी, सर आपको रोकना चाहूंगी, एफडीआई को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन किसान के लिए क्या काम किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी हमसे बातचीत करने के लिए, टीवी 100 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, बिल्कुल आसिफ खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ जी आपसे जानना चाहेंगे, आप वहां मौजूद हैं, और क्या कुछ लोगों की राय है और क्या कुछ जानना चाहते हैं लोग, कल बजट जिस तरह से पेश हो रहा है, किस वर्ग को साधा जाएगा उस बजट में, ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। बिल्कुल अनन्या, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, व्यापार वर्ग से बात कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है, और साथ ही वो बेरोजगार युवक जो पढ़ लिख कर बाहर खाली घूम रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, वादा खिलाफी केंद्र सरकार ने हमारे साथ करी है, जो रोजगार के वादे सरकार ने हमसे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, और इसी बात को लेकर किसान आज देश का काफी ज्यादा नाराज बैठा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है अनन्या, उनसे बातचीत करते हैं, कल आम बजट सर पेश किया जाएगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ लिखने का? बीइंग ए सर्विस क्लास आई एम लुकिंग फॉर सम टैक्स रिबेट, आई थिंक हायर ग्रेड हो सकता है, जो सबसे बड़ी जो वो है ग्रिड वो रिड्यूस हो जाए 25% तक आ जाए, अच्छा। उसी की संभावना है, और तो मुझे में लग रहा है आपको कि रियायत मिलेगी? हाँ हाँ, 5% की पूरी उम्मीद है। चुनाव की वजह से मिलेगी या आखिरी बजट है इसलिए मिलेगी, या फिर सरकार चाहती है कि राहत दे? नहीं, एक्चुअली मैं मोदी फॉलो कर रहा हूँ वर्ल्ड को, और जो विश्व है उसमें ऑलरेडी सब जगह टैक्स रिड्यूस किए गए, अब यूएस में देखेंगे वहां भी रिड्यूस हुआ है, जापान में रिड्यूस हुआ है, तो इंडिया भी उसी लेवल पर चल रहा है, तो वो रिड्यूस होना है। लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस लायक है कि हम विकसित देशों की, अर्थव्यवस्था विकसित देशों की हम स्याली कर सके? नहीं, हालत खराब है, हालत खराब है।
लेकिन अब कुछ उम्मीद है, चार साले तो हो चुकी है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मजबूत होंगे। उम्मीद तो पूरी है, मोदी जी से उम्मीद पूरी है, डेफिनेटली कुछ तो होगा, कुछ होगा। हाँ हाँ, लेकिन अब एक साल रह गया, अब वो योजनाएं लागू हो जाएंगी, अगर रियायत करने वाली बात कर दी तो लागू कैसे? जब किसी को टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा ना, चार साल दे, चाहे कुछ भी बोलो अगले की इंटेंशन क्लियर है, चाहे कुछ भी बोलो, जो डिसीजन जैसा भी रहा हो लेकिन इंटेंशन क्लियर है, साफ है, नियत साफ है, नीति चाहे भले ही कैसी जो भी हो, नीति अब क्या कह सकते हैं, नीति के बारे में तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन इंटेंशन जिसे कहेंगे, चार साल की नीति को लेकर नीयत को लेकर क्या कहेंगे, सरकार पास है या फेल है? मेरे हिसाब से तो आश्चर्यजनक काम हुआ है। आश्चर्यजनक किस क्षेत्र में? सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करा है सरकार ने। चलिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो व्यापार सलाहकार है। एके मिश्रा जी, हम बात कर रहे हैं क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस हिसाब की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों की हम सियाली करें, उनकी नीतियों को अपनाएं, उस हिसाब से चलें? नहीं, देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, डेफिनेटली ये एक बहुत ही बूमिंग अर्थव्यवस्था है, और काफी मामलों में अगर देखा जाए तो हम कई स्टेप काफी आगे पहुंच गए हैं, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो और फॉरेन ट्रेड की हो, टैलेंट पूल हो, कुछ भी हो, लेकिन 101% हम किसी को जो है अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि यूएसए में जो चीज है, जापान में है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं। अभी मैं एमओएफए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे मैं डाटा देख रहा था, देखिए कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होना चाहिए, यूएसए की इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, वहाँ स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी। आसिफ खान जी, आसिफ खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आपने सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं, कुछ कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। कल बजट पेश होना है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, और लगातार इस बजट को लेकर हम भी आपको अपडेट देते रहे हैं। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।